लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जसवंत सिंह की कोठी यही है जी। हाँ, किससे मिलना है साहब? संसार बाबू से। भीतर जाकर मुंशी जी से मिलिए। ये लो। कद्दू, लौकी, केले, बस इतना ही लाए? और कुछ था ही नहीं मुंशी जी। था नहीं के खा पी कर सब बराबर कर दिया? हमें बेवकूफ समझते हो? लामू ये सब घर पहुंचा दो। ये सर। तू क्या लाया रे मगरू? मुंशी जी एक बोरी चावल लेके आया। साला लगान दिया नहीं दो साल और लाया सिर्फ एक बोरी चावल। अरे मैं ठाकुर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों मुंशी जी, काली तो आपका घर पे दो बोरी चावल लेके आया था। अरे हंसते क्या हो, मैं अभी देख लूंगा सबको। सुनिए, सुनाइए। आप ही यहाँ के मुंशी जी हैं? क्यों, कोई शक है? जी नहीं, पहले था अब नहीं है। अरे हंसो मत। कहिए क्या चाहिए आपको? मुझे संसार बाबू से मिलना है। तो मिलने के वक्त आइए। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। तो सुबह होने तो दीजिए। जी सुबह तो जी, घड़ी देखकर सुबह नहीं होती यहाँ। फिर यहाँ सुबह ठाकुर साहब की मर्जी से होती है, समझे? मुंशी जी आइए। अदालत जी सब खैरियत तो है? रेजगारी जी, इतनी जल्दी? ठाकुर साहब जाग गए हैं जी। ये लीजिए रेजगारी। पूरे तो हैं मुंशी जी, थैली का वजन कुछ कम लगता है। कैसी बातें करते हैं अदालत जी, आप ठाकुर साहब के खास आदमी हैं, आपसे झूठ बोला जा सकता है? जितना दान रोज बढ़ता है उतनी रेजगारी। ठीक है मुंशी जी, भगवान जी सब कुछ देखते हैं। सुनिए भाई साहब। कहिए। मुझे संसार बाबू से मिलना है। संसार? बड़े सरकार के आने से पहले तो आ ही जाएंगे। और बड़े सरकार कब तक आएंगे? उनके आते आते तो 4 बज ही जाएंगे। वैसे आज उनकी आंख जल्दी खुल गई थी, शायद वो जल्दी आ जाए। फिलहाल वो पूजा में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। लाओ भाई, रखो यार। लाओ भाई, लाओ गर्मा गर्म चाय। अरे भाई रख दो, खुद ही ले लेंगे। हां खुद ही ले लेंगे भाई, रख दो। पी लीजिए। जानकी बाबू। हां बाबू, हां हां जी, हां जी, हां जी। पीजिए पीजिए, चाय पीजिए। हां जी, चाय बहुत बढ़िया है। ठाकुर साहब की चाय है भाई। संसार बाबू, अरे अमल आ गए तुम? जी मैं तो सुबह का आया हूँ। सुबह का? आपने सुबह ही कहा था आने को। लो सुन लो इनकी बात,
पखुड़दार मेरा मतलब तुम्हारी सुबह से नहीं, ठाकुर साहब की सुबह से। बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। आहा, आपने मेरे बारे में ठाकुर साहब से बात कर ली है ना? कर लिया भाई। काम बन जाएगा? लो। अरे अमल बाबू, अभी आप संसार बाबू की पोजीशन को जानते नहीं हैं, तभी ऐसा कह रहे हैं। धीरे धीरे जान जाएंगे। हो जाएगा। चार बज गए। अदालत भैया सरकार नहीं आते होंगे, आप चाय तो पीजिए। अदालत भैया फरमाइए। सरकार आ रहे हैं क्या? जी हाँ, उनके आने का वक्त हो गया है। अरे अरे सरकार, अरे सरकार, सरकार आ रहे हैं। प्रणाम सर। आइए आइए, बैठिए बैठिए। लो लीजिए। हुजूर, पिछले तीन महीने से खर्चे के हिसाब पर दस्तखत नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए जी? वो आप काम में लगे रहते हैं ना, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। भाई काम तो 24 घंटे लगा रहता है, फुर्सत है कहाँ? है कहाँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हिसाब तीन तीन महीने पड़ा रहे। वो सरकार कन्नौज का असली हेना है। हुजूर दस्तखत यहाँ इस कलम से। हुजूर सब ठीक है ना? जी हाँ सब ठीक ही है, आज सिर्फ दस्तखत कर दीजिए। यूं बोलो ना यहाँ। और संसार बाबू कुछ नई खबरें? हुजूर खबरें नई भी हैं और नवेली भी, जरा इनसे निपट लीजिए फिर इत्मीनान से बताता हूँ। जी या अब और कितने दस्तखत बाकी हैं? बस एक दो और। ये ठीक है सर। सर ये वकालतनामा है, अगर कल तक कचहरी में दाखिल ना हुआ तो 3 लाख पर पानी फिर जाएगा। आप यहां किस लिए हैं जी? बोलिए, क्या मुंह देखने के लिए हम आपको तनख्वाह देते हैं? ऊपर से रुपयों का डर दिखाते हैं, वो भी ठाकुर जसवंत सिंह को। जी 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 वकील साहब, जहां पैसा पानी की तरह भरा हो उस समुंदर को सूख जाने का डर दिखाते हैं आप। बड़ी घटिया बात की है आपने। वकील साहब, गंगा जल से आचमन करके अपनी जीभ को शुद्ध कर लीजिए। और बुद्धि शुद्ध करने के लिए 10-20 रुपए तनख्वाह भी बढ़ा लीजिए। जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर एक काम करता हूँ, अपने नाम एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेता हूँ, तो फिर बार बार आपको दस्तखत करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी सुना संसार बाबू? जी। तनख्वाह बढ़ने की बात सुनते ही वकील बाबू की बुद्धि खिल उठी, अब दस्तखत भी ये खुद ही करेंगे। लीजिए। अरे सुना। ये कौन है? जी मैं सरकार, इसका नाम अमल कुमार है, बड़े अच्छे खानदान से है, मुजफ्फरपुर से बीए पास किया है। कहां से? जी मुजफ्फरपुर से, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे साले हुए। जी अरे भाई, हमारी बहू रानी भी मुजफ्फरपुर की है। समझे? उसी रिश्ते से तुम सरकार के साले हुए कि नहीं? आजकल क्या करते हो? खाक छानते हैं। एक फोटो की दुकान थी, किराया दे नहीं सके, दुकान कुड़क हो गई। वैसे सरकार ये फोटो बहुत ही खींचते हैं। अच्छा, फिर कल से हमारे यहाँ काम करो, हमारी फोटो खींचा करो। कैमरे वगैरह सब है या वो भी कुड़क हो गया? जी वो सब तो बच गया है। कहाँ रहते हो? जी यहाँ से 10 मील दूर हमारी चचेरी बहन रहती हैं, उन्हीं के साथ। कैमरे वगैरह सब वहीं पर है। वहाँ क्यों, तुम हमारे यहाँ गेस्ट हाउस में रहो? हमारे जानकी बाबू भी वहीं रहते हैं। जी अदालत, जी हुजूर, कल से इनका भी गेस्ट हाउस में रहने का इंतजाम करो। जी और क्या नाम क्या होता है? अमल। अमल तुम कल ही अपना सारा सामान यहाँ ले आओ, ठीक है? जी अच्छा। अरे ओ साला बाबू, लो तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, खा लो गरम गरम। अरे
ये सब क्या हो रहा है? अमल दादा को नौकरी मिल गई है ठाकुर साहब के यहाँ, वो जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ। साला बाबू, ओ साला बाबू। अरे शंकर भाई आ गए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए जलेबी लाए हैं, खा लो। मेरे लिए? लाओ। नहीं नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं दूंगा। तुमने अपने आप को समझ के रखा है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ किस बात की तकलीफ है जो तुम यहाँ से जा रहे हो? तकलीफ तो किसी भी बात की नहीं, लेकिन लेकिन क्या, आखिर आदमी को कुछ काम धंधा तो करना चाहिए। काम धंधा तुम कहीं भी करो, लेकिन अपना घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत? नहीं, वो ठाकुर साहब ने कहा कि यहाँ कर रहो, कुछ दिन में दुकान भी खुलवा देंगे। घंटा खुलवा देंगे, जिस तरह और मुसाहिब वहाँ जी उजूरी करते हैं उनमें तुम्हारा भी नाम लिख लिया जाए। तो इतना बिगड़ती क्यों हो? कितनी बार कहा है अपने ही ऑफिस में नहीं कोई काम दिला दो, वो तो तुमसे होता नहीं। अरे उन साले अंग्रेजों की नौकरी भला कोई शरीफ आदमी करता है? मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ने वाला हूँ। वो तो तुम दिन में 100 बार छोड़ते हो और 100 बार करते हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी गृहस्थी का फंदा मेरे गले में न होता तो मैं ये नौकरी कभी करता ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? अरे भाई वही जो हर पति कहता है और हर पत्नी सुनती है। जीजा बरखुरदार, जरा कुछ सोच समझ के बोला करो। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने नौकरी कर ली, इन्होंने सूट के संभाल लिया, मैं तो साला इस घर में कुछ हुई नहीं। दांत तेरे की, भाग में जाइए संसार। शंकर की बातों का बुरा मत मानना रोना, तुम तो जानती हो दिल का कितना अच्छा है। मैं सब जानती हूँ, असल में तुम्हारे चले जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। मैं जानता हूँ, तुम उसे बाद में समझा देना। अच्छा मैं एक रिक्शा बुला लेता हूं। अच्छा रोना, तुम क्या सचमुच जा रहे हो? मैं बीच बीच में आता रहूंगा शंकर भैया। नहीं नहीं, ये बातें कहकर मेरा दिल बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे जाने से मुझे तकलीफ होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश हूं, बहुत खुश। जाओ जाओ जाओ, बैठो, जाओ रिक्शा वाले, जाओ। जा तो रहे हो, लेकिन इतना याद रखना तुम्हें एक दिन जरूर वापस आना पड़ेगा, समझे? वापस आना पड़ेगा। समझता है इसके जाने से मुझे तकलीफ होगी। हाँ। नमस्ते ठाकुर साहब। गेस्ट हाउस में आ गए? जी हाँ, बैठो। हाँ तो संसार बाबू, आप क्या कह रहे थे उस अबला के बारे में? कहना क्या है सरकार, उसके पड़ोस में एक लफंगा रहता था, बेचारी उसकी बातों में आ गई और वो बदमाश उसे ले भागा। ले भागा? जी। क्या उम्र थी उस लड़की की? सिर्फ 18 साल। सिर्फ 18 साल? जी हाँ। यानी अष्टादशी, फूल भी नहीं, कली, और वो बदमाश उसे ले भागा। सरकार जब वो नाचती है तो ऐसा लगता है कि पायल की बजाय आकाश से बिजली तोड़कर उसके पैरों में बांध दी गई हो। लेकिन अब उस बिजली का फायदा क्या? वो लफंगा उसे भगा लेगा और तुम मुंह खोले देखते रहे। सरकार मैं गरीब आदमी, कर भी क्या सकता था। तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो हमसे कहा होता, हम क्या मर गए थे? हुजूर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आज मंगल के दिन अमंगल की बात मत कीजिए सरकार। अरे छोड़ो मंगल और मंगल को, अमंगल तो सबला का हो रहा है, बेचारी 18 साल की न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी बेचारी। वैसे सरकार मैंने उसका पता लगा लिया है। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, कब से बकवास किए जा रहे हो? कहाँ है वो? एक गंदी बस्ती में बुरी हालत में पड़ी है। 18 साल की अबला गंदी बस्ती में बुरी हालत में पड़ी। बुरी हालत, और आप सब यहाँ बताए जा रहे हैं, उसका उद्धार नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। चलो उठो भाई, चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो जल्दी करो। अरे अमल, तुम्हारा कैमरा रात में फोटो खींचता है ना? जी हाँ, उसका बंदोबस्त है। चलो अच्छा है, ऐसे मौके पर कैमरा होना बहुत जरूरी है, हमारे कारनामों का रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना। रिकॉर्ड? हाँ, यानी डॉक्यूमेंट। आओ कैमरा ले आओ। अरे
भाई अमल, तुम आचमन भी नहीं करते, अच्छी बात नहीं। जी नहीं, शराब मुझे कुछ। शराब? तुम इसको शराब कहते हो? अरे ये तो सोमरस है, सोमरस। जरा सी पी लो, शुद्धि हो जाएगी। जी नहीं, इस वक्त पियूंगा तो डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे। शराब पियोगे तो डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे? वो कैसे? फोटो लेते वक्त कहीं ढोल गया तो? अच्छा, तुम शराब पीकर ढोलने लगते हो? सुना, ये शराब पीकर ढोलने लगते हो? हिलने का खतरा तो रहता ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर बाद में पीना। अरे संसार बाबू, और कितनी दूर है? बस सरकार, अभी पहुंच जाएंगे। ए लो, हम तो पहुंच भी गए। अरे रोको 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 भाई रोको। सरकार आप जरा यहाँ बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। क्यों, तुम अकेले क्या देखोगे? सरकार मैं देखने चला हूँ कि वो लफंगा जो भगा कर लाया था कहीं आसपास तो नहीं। अच्छा अच्छा, जा। हाँ। अरे जल्दी आना, अभी आए सरकार। ये संसार बाबू बड़ा काम का आदमी है। कमली, ए कमली। कौन? कमली। अरे संसार बाबू, आप? कमली, ठाकुर साहब आ गए। मगर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जैसे वो आए उनके पैरों पर गिर जाना और जो कुछ समझाया है वैसा ही करना। देख मेरी जान, तेरी किस्मत तो खुल गई, अब हमारा भी ख्याल रखना। हाँ हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं लेकर आता हूँ, अभी अभी लेकर आया। अच्छा सरकार, जल्दी चलिए, वो तो रो का मरी जा रही है। क्यों, अब क्यों रो रही है, हम तो आ गए। सरकार वो जो लफंगा था ना, उसे धोखा देकर भाग गया। भाग गया? हाँ। बिल्कुल अकेली है वो? अजी बिल्कुल अकेली। आओ फिर चलते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए, आओ। छी छी छी, कितनी गंदी बस्ती है। ये लीजिए सरकार, सरकार इसे खत्म कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता। ये घर है, आइए 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 सरकार, आइए। कमली, अरे ओ कमली, अब क्यों रो रही है? अरे तेरी दुख भरी कहानी सुनकर सरकार खुद तेरा उद्धार करने आ गए हैं। अरे जरा मुंह तो ऊपर उठा, शाबाश शाबाश। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? जिसको मैंने अपना समझा था वही दगा दे गया। भगवान जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। सरकार, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा? हम जो हैं, उठो। इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। पूछ लो इन्हें, ये हुस्न ये जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं है। आओ हमारे साथ चलो। संसार बाबू, वाह। अरे अमल, तुम्हारा वो कैमरा तैयार है ना? जी हाँ, सब रेडी है। क्या क्या खींचते जाए जरा बता दीजिए। अरे भाई, 18 बरस की अष्टादशी है, सुना है 18 कलाओं की रानी है, बस हर कला की एक एक तस्वीर खींचते जाना। जी। और रानी जरा करीब आ जाओ। क्या हुआ संसार बाबू, ये सिर्फ नाम की अष्टादशी है क्या? किसी ने इसको कुछ सिखाया नहीं? सरकार एकदम कच्ची कली है, फ्रेश फ्रॉम द गार्डन, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। चलो फिर ठीक है, हम ही धीरे धीरे सबको सिखा देते हैं। ये लो, ये पहली कला है। नहीं नहीं, लो मां, एक और भी लो। संसार बाबू,
हमारे अमल बाबू काफी रसिया हैं, सही वक्त पे तस्वीर खींच रहे थे। अरे हाँ, यहाँ तो बहुत घुटन हो रही है, चलो 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 बाहर हवा में बैठते हैं, चलो 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 भाई, अरे उठो भाई उठो, चलो चलो हाँ चलो बाहर हवा में, चलो चलो क्यों थोड़ी सी थोड़ी सी तो संसार बाबू क्या बात है, जो कुछ चाहिए, समझ में नहीं आता आप लोग ठाकुर साहब को इस तरह से क्यों ठगते हैं। क्या मतलब? जी मतलब ही तो नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए पूछ रहा हूं। बरखुरदार, मैंने तुम्हें यहां नौकरी पर लगाया और अब तुम मुझे ही। जी नहीं, उसके लिए तो मैं आपका उपकार मानता हूं, अगर आप मुझे यहां ना लाते तो फिर मुझे सब देखने को कैसे मिलता। बस तो चुपचाप देखते रहो, मुंह बंद रखो और रोटी खाए जाओ, समझे? हाँ वही सब तो कर रहा हूं। ये फूलों की जवानी ये सुबह सुहानी हो। अरे वाह वाह क्या बात है यार, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, सुनाओ ना। आप लोगों को हमारा गाना अच्छा लगेगा क्या? क्यों नहीं यार, सुनाओ तो सही। हो बचपन फूलों की जवानी, कलियों का बचपन फूलों की जवानी, ये सुबह सुहानी हो, सुबह सुहानी हो।
रानी ये सुबह सुहानी हो। बीती हुई रात की सुनाती है कहानी, कलियों का बचपन फूलों की जवानी ये सुबह सुहानी हो। खड़ी है, कौन गा रहा था विमला? फोटो बाबू। फोटो बाबू? फोटो बाबू कौन? बड़े सरकार ने कुछ दिन हुए उन्हें नौकरी पर रखा है फोटो उतारने के लिए। ओ आइए मैं आपके बाल सवार दूं। चलो आइए। मिठू बोल। अमल बोल। अमल अमल हाँ। लाओ अदालत हाँ। बट मैं लगा देती हूँ। जी बहू रानी जी। मुन्नी को खोजने आई थी, देखा अदालत कपड़े तैयार कर रहे हैं तो मैंने कर दिए। ये सब काम अदालत अच्छी तरह कर लेता है, इसीलिए तो इसे यहां रखा गया है। और फिर अपना महल छोड़कर तुम इस महल में क्यों आए? विमला कहां है? उसे काम से भेजा है। और भी तो नौकरानियां हैं, कम पड़ती हो तो दो चार और रख लो, लेकिन अपना महल छोड़कर तुम्हारे इस महल में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? सुनो तुमने गहने क्यों नहीं पहने? गहने अच्छे नहीं लगते। पुराने गहने अच्छे नहीं लगते हैं तो नए बनवा दूंगा, लेकिन इस घराने की औरतें हमेशा गहने पहनी रहे इसी में हमारी शान है। जा सकती हो अदालत। जी हुजूर। मुंशी जी को भेजो। जी बुलाया था हुजूर। तुम अभी हैमिल्टन ज्वेलर्स को खबर कर दो, बहुरानी को नए गहनों की जरूरत है। गहने? सर में खुश्की हो गई है क्या? इतना खुजला क्यों है? जी नहीं, गहनों में अंदाजन कितने रुपए लगेंगे हुजूर? नए गहनों की जरूरत है, रुपए कितने लगेंगे ये जानने की हमें जरूरत नहीं, तुम्हारा काम है ये। जी बैंक में अब ज्यादा रुपए नहीं है हुजूर। नहीं है तो इंतजाम करो, दो चार कोठियां भेज दो। रुपए पैसे की वजह से क्या हमारा काम रुक जाएगा? ऐसी घटिया बातें हम आइंदा सुनना नहीं चाहते, दबाओ जाओ यहां से। जी किताब पकड़ने से यह जाहिर होता है कि तुम्हारा मन यहां नहीं कहीं और है। क्या इस घराने की बहू का मन भी इस महल से बाहर नहीं जा सकता? अभी तक नाराज हो? हम तो ये सोचकर यहां आए थे कि तुमसे पाउडर डलवाएंगे। उसके लिए तो और... अदालत है ना। वो तो इस घराने का दस्तूर है। नौकरों के सामने पत्नी का अपमान करना भी क्या इस घराने का दस्तूर है? उसका तो प्रायश्चित कर चुके हैं हम। हमने हैमिल्टन ज्वेलर्स को तुम्हारे लिए नए गहने बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा ही किया, कम से कम मेरे मरने के बाद वो गहने आपके काम तो आएंगे। ये मरने मराने की बात हमें पसंद नहीं, ऐसी बातें मत किया करो। तो फिर कौन सी बातें करूं जो आपको पसंद हो? असल बात यह है बहू रानी, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे संबंध सहज नहीं हुए। उसको सहज करने के लिए एक रात भी तो आपने बाहर जाना बंद नहीं किया। उसके लिए तो हम मजबूर हैं। जो अय्याशी हमारे खानदान में पुश्तों से चली आ रही है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? और फिर तुमको हमारा ये पीना पिलाना भी तो मंजूर नहीं है। अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपकी सब बातों की आदी हो गई हूं।
अगर ऐसा है तो तुम्हें बताना पड़ेगा, इतने दिनों बाद तुम अपना महल छोड़कर हमारे महल में क्यों आई? बताओ तो आप मानेंगे? देखो भाई, ये हमारी आदतें बदलने की बात छोड़कर तुम जो भी कहोगी हम मान लेंगे। मैं एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। फोटो? हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे सेवरात और पंछियों के पिंजरे छोड़कर मेरी क्या निशानी रह जाएगी इस हवेली में? फोटो होगी तो शायद कभी कोई याद करेगा कि मैं भी यहाँ रहा करती थी। बस इतनी सी बात है? ठीक है, तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए हम इस घराने की परंपरा को तोड़ देंगे, तुम्हारी फोटो जरूर खिंचवाएंगे। सलाम फोटो बाबू। हाँ अदालत भाई, क्या बात है? ये फोटो खींचने का जंतर मंतर लेकर चलिए। अच्छा, तो तुम्हारी फोटो खींचनी है? भाई तुम्हारी फोटो हम जरूर खींचेंगे, मेरी जिंदगी के एल्बम में तुम्हारी फोटो बहुत जरूरी है। मेरी तस्वीर तो आप जब चाहे खींच लीजिएगा, फिलहाल बड़े सरकार ने आपको याद फरमाया है। इस वक्त किसकी फोटो खींचनी है? बहुरानी की। बहुरानी की? जी। तुमने ठीक से सुना? सुनाई नहीं, बल्कि बड़े सरकार ने बुलाकर हुक्म दिया है। आइए चलिए, मैं आपको पीछे के रास्ते से ले चलता हूँ। पीछे के रास्ते से? क्यों? यहाँ के लोग बड़े दखियानुसी हैं, फौरन खबर फैल जाएगी कि ठाकुर घराने की बहुरानी की तस्वीरें खींची गई है। आइए 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 आइए। चलो। अरे बिमला। आई अदालत भैया। फोटो बाबू, इसके आगे हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। बहुरानी के महल में बिमला आपको ले जाएगी, वही बड़े सरकार है। ये लो। आइए फोटो बाबू। बड़ी तकदीर है तुम्हारी फोटो बाबू, नहीं तो आज तक इस महल में ये कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? अब मैं क्या बताऊं, खुद ही समझ जाओगी। फोटो बाबू आ गए सरकार। आओ मैं लाओ। बिमला, बहुरानी को खबर कर दो। जी सरकार। आज बहुरानी ने अचानक कहा हमें तस्वीर खिंचवानी है। हमने कहा क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों की एक तस्वीर तो होनी ही चाहिए। काम धाम में पहले ख्याल ही नहीं रहा। मैं तैयारी करता हूँ। चलिए बहुरानी। बैठो। जी ये घूंघट। अरे इतना बड़ा घूंघट काढ़े बैठोगी तो तस्वीर उतरेगी कैसे? ये अमल है, इसके सामने क्या शर्माना। उठा घूंघट। यमल दादा है, मेरे चचेरे भाई, पटना में पढ़ते हैं, छुट्टियों में यहाँ आए हैं। नमस्ते। नमस्ते दादा, ये दीपा है मेरी खास सहेली। तुम्हारे तस्वीर खींचने के स्टाइल ने इसके कदम डगमगा दिए और ये तुमसे मिलने चली आई, ये उम्मीद लेकर कि तुम इसकी तस्वीरें खींचकर अपनी जिंदगी के एल्बम में लगा लोगे। इन्होंने घूंघट खोला तो वो भाई घूंघट डाल के खड़े हो गए। अरे भाई अमल जल्दी करो, धूप में भुने जा रहे हैं हम। जी बस अभी दो मिनट। स्टडी प्लीज। मान गए। अरे जरा कंधे पे हाथ रखो ना दादा। दीपा जरा मुस्कुरा। हाँ ये हुई ना बात। देखो दीपा कितने सुंदर पंछी हैं। लेकिन कैद में है बेचारे, मगर फिर भी खुश हैं। ऐसा क्यों है अमल?
क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले किसी कैद किसी बंदिश को नहीं मानते, वो हर हाल में खुश रहते हैं। अगर एक जुदा हो जाए तो? कहते हैं दूसरा जुदाई के गम में जान दे देता है। अमल दीपा दिया है। हाँ दीपा। और तुम अपने चाचा ताऊजी से बात करने की वजह तस्वीरें खींचते फिर रहे हो। तस्वीरें नहीं खींच रहा, अपनी यादें इकट्ठी कर रहा हूं। पिताजी के जो कर्जे थे उसके बदले में चाचा ताऊ ने सब छीन लिया, लेकिन मेरी ये यादें उसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो क्या तुम सच में चले जाओगे अमल? हाँ दीपा, घर वालों ने जब बेघर कर दिया तो चले जाने के अलावा रास्ता ही क्या है? अमल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। ना दीपा ना, प्यार की एक मर्यादा होती है, उसे तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। तुम मेरा इंतजार करना दीपा, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। अमल दीपा, रो नहीं दीपा, दिल कड़ा करके मुझे हंसते हंसते बिता दो। कुछ दूर मेरे साथ नहीं आओगे? आओ। हो गया और तुम लोग जाओ। बहुरानी पैर दबा दूं? तेरी तनख्वाह कितनी है विमला? सिर्फ 40 रुपये बहुरानी। अगले महीने से 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे तुझे। आपकी दया है। ये ले। मैं ले लूं? हाँ, मैं सोचती हूँ कुछ और फोटो खिंचवा लो। ये तो बहुत अच्छी बात है बहुरानी, जरूर खिंचवाइए। तू फोटो बाबू को ला सकती है? जी, लेकिन ऐसे कि किसी को पता न चले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, बस मौका देखते ही ले आऊंगी। ठीक है। विमला तुम, क्या बात है? मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। मुझे? लेकिन क्यों? ये सब बाद में पूछ लेना, इस वक्त सारी हवेली सुनसान है, चले चलो। लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम तो मर्द हो, डरने की क्या बात है, आओ मेरे साथ आओ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? आहिस्ता बोलो, बत्ती ऐसा मैंने बुझा दी, आओ मेरे साथ आओ। बहुरानी, तुम जाओ विमला जी, आओ। तुमने ठीक नहीं किया दीपा। क्या? यही मुझे छिपाकर बुलाना। सबको दिखाकर जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था वो तो तुमने दिया नहीं। काश तुम इंतजार कर सकते। सच पूछो अमल, तुम्हें कुछ नहीं कर सकी। जब तुम चले गए मैं नदी के किनारे तुम्हें देर तक जाते हुए देखती रही। अचानक एक बंदूक की आवाज ने मुझे चौंका दिया। घर तक आ गए, मेरे पिताजी से मिलकर इन्होंने मुझे मांग लिया। मैं बहुत रोई, किड़किड़ाई, लेकिन मेरी एक न चली। उसके बाद ये मुझे ब्याह कर यहां ले आए। फिर जो कुछ हुआ वो मेरे सुहाग की रात नहीं अपमान की रात थी। बहुत सुंदर है हमारी बहू रानी। महल जगमगा उठेगा। शादी की खुशी में महफिल आज नीचे के दीवान खाने में लगी है, सरकार को आने में जरा देर लगेगी, तब तक आप यही आराम कीजिए। नजर
जानते हैं सब लोग हमसे डरते हैं, लेकिन अगर तुम डरोगी तो अच्छा नहीं लगेगा हमें। बैठो, आराम से बैठो, बैठो। इस ठाकुर घराने की सारी संपत्ति, जायदाद और जमींदारी के हम अकेले वारिस हैं, और आज से तुम इस महल की अकेली महारानी हो। दूर क्यों चली गई? नजदीक हो? अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ, आज तो हमें ही पास आकर इस रात की लाश तोड़नी पड़ेगी। अरे, दूर से जब तुम्हें देखा था तुम सुंदर जरूर लग रही थी, लेकिन इतनी सुंदर होगी ये हमने सोचा ही नहीं था। छोड़िए मुझे, मुझे उल्टी आ रही है। क्यों, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? जी नहीं, मुझे शराब की बू से उल्टी आती है। हा? जब भी आप पिए हो मुझे छूने की कोशिश ना करें। तुम इसको शराब की बू कहती हो? अरे ये तो बड़े घरानों की खुशबू है। इस वक्त आप खुशबू और बदबू में फर्क नहीं कर सकते। तुम एक मामूली घराने से आई हो इसलिए ऐसा कह रही हो। तुमसे पहले भी इस महल में मामूली घरों की कुछ लड़कियां आई थी, उनको भी तुम्हारी तरह शराब से नफरत थी, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत हो गई। कुछ दिन राजमहल में रहोगी तुम्हें भी आदत हो जाएगी। जिन्हें ये आदत हो गई वो अनपढ़ रही होंगी, मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं। ये कौन सी पढ़ाई है जो सुहागरात में पत्नी को पति से दूर रखती है? ये कैसा पति है जो गंदी बाजारू औरतों के साथ रंग रलिया मनाकर शराब के नशे में डूबा सुहागरात का मजाक उड़ाने आता है? यही इस घराने का दस्तूर है। ऐसे दस्तूर मुझे मंजूर नहीं है, मैं इन्हें बदल दूंगी। अच्छा। एक रात में सदियों के रीत रिवाज को बदल दूंगी, इतना साहस है तुम्हें? मैं यहाँ साहस का परिचय देने नहीं आई हूँ, लेकिन आप मुझे दाश्ता बनाकर नहीं पत्नी बनाकर लाए। ये सुहागरात एक पवित्र जिंदगी की शुरुआत है, और मेरी जिंदगी की ये पहली रात उस अय्याश के लिए नहीं जो दुनिया भर की गंदगी से मुंह जुटा करके आया हो। चुप रहो। अय्याश? हाँ है, ठाकुर जसवंत सिंह अय्याश है, लेकिन किसी औरत का मोहताज नहीं। सुना, इस घराने में औरत को अपने पति के साथ सिर्फ एक रात मिलती है, सुहाग रात, लेकिन तुमने अपनी औकात भूलकर वो रात भी खो दी। वो चले गए, उन्होंने अपनी रात देखा जानी नहीं थी, लेकिन मेरी सुहाग रात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सुबह हो गई, सुहाग सेज के फूल मुरझा गए और मैं सेज पर बैठी रही। मैंने बहुत कोशिश की कि वो सुधर जाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। वो अपने महल में रहने लगी और मैं अपने महल में एक कैदी की तरह अपने दुर्भाग्य को मंजूर करके मैं सब सहती चली गई। वक्त काटने के लिए बिल्लियों का साथ मिल गया, चिड़ियों के पिंजरे आ गए, नौकरानों की तादाद बढ़ती गई, और इन्हीं सब के बीच में मेरी जिंदगी घिर गई। मांग का सिंदूर और सुहाग की बिंदी एक मजाक बनकर रह गई। मुझे माफ कर दो दीपा, तुम्हारी इस हालत का अंदाजा मुझे नहीं था। मुझे इस कैदखाने से निकालकर ले चलो अमल, कहीं भी ले चलो, मुझे मुक्ति चाहिए। दीपा। हाँ अमल, यहां मेरा दम घुटता है,
मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मुझे ले चलो। नहीं दीपा नहीं, मैं बदकिस्मत हो सकता हूं लेकिन विश्वासघाती नहीं हो सकता। मैं ठाकुर साहब के नौकरी करने आया हूं, डाका डालने नहीं आया। अमल। हाँ दीपा, ये काम उससे नहीं होगा और अब तो मुझे लगता है मेरा यहां रहना भी ठीक नहीं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। नहीं अमल नहीं, मुझे अकेली छोड़ के मत जाओ। दूसरी बार बड़े भाग्य से मिले हो, अगर इस बार भी चले गए तो आत्मा से किसी बार कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं दीपा नहीं, ऐसा मत कहो। तो मेरी खातिर मत जाओ, मैं तुम्हें देख देख के ये कैद काट लूंगी। वादा करो अमल कि तुम नहीं जाओगे। ठीक है दीपा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये लो इसे गाड़ी में रख दो। आइए सरकार, आइए 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 आइए। संसार बाबू, सब तैयारियां मुकम्मल है ना? सरकार, कितने सालों से आपका नमक खा रहा हूं, मेरे किसी काम में कोई कमी रह सकती है? इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा संसार अधूरा। सरकार संसार है। अरे अमल नजर नहीं आ रहा, और जानकी बाबू कहाँ है? सरकार, अमल आने के लिए जरा कतरा रहा था, इसलिए जानकी बाबू से लेने गए। आ गए आ गए आ गए। नमस्ते ठाकुर साहब। अरे अमल, हमने सुना तुम हमारे साथ चलना नहीं चाहते। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, सोच रहा था एक रात जरा सो लेता तो। सो लेता? पागल हो गए हो क्या? जवानी की रात है, सोने के लिए थोड़ी होती है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो, तुम्हारी तबीयत खिल उठेगी, बैठो। चलिए सरकार, आप लोग जानकी बाबू में चलते हैं, लोग आज मजा। जल्दी करो अदालत। एक बात बताओ अमल, तुम हमेशा इतने उदास, खोए खोए से परेशान क्यों रहते हो? जी मेरी कुछ आदत ही ऐसी हो गई है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, जरूर कोई बात है। किसी से इश्क हो गया है क्या? जी किसी ने दिल तोड़ दिया है क्या? नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर खुश रहा करो, यही तो उम्र है याशी करने की। रही तुम्हारी वो दुकान वाली बात, उसकी फिक्र मत करो, वक्त आने पर वो भी खुलवा देंगे। तुम्हें पता है संसार बाबू का दावा है कि आज के बजरे की सैर बिल्कुल अनोखी और लाजवाब होगी। क्यों संसार बाबू? सरकार, बजरे को तो मैंने दुल्हन की तरह सजा रखा है, बस अब तो हुस्न आपके इंतजार में बेकरार है। अय्याश हूँ मैं, अय्याश हूँ, अय्याश हूँ मैं, अय्याश हूँ। इश्क देता है मेरे दिल को तड़प, इश्क देता है मेरे दिल को तड़प, हुस्न देता है मेरे दिल को सुकून। अय्याश हूँ मैं, अय्याश हूँ, अय्याश हूँ।
पे बज रही ये रात रात मुजरे की ये रात रात मुजरे की ये रात चांदनी के अक्ष में गुल बदन है रक्स में हाथ में हो हाथ में सागर मेरे सर में जुनू अय्याश हो मैं अय्याश हूँ इश्क देता है मेरे दिल को तड़प हुस्न देता है मेरे दिल को सुकून अय्याश हो मैं अय्याश हूँ अय्याश हूँ मेरी है यही आदत मेरी है यही मेरा किरदार मैं क्या करूं अय्याश हूं मैं अय्याश हूं इश्क देता है मेरे दिल को तड़प इश्क देता है मेरे दिल को तड़प संसार बाबू यहाँ उसके बाद क्या हुआ होना क्या था सरकार वही हुआ यहाँ जो गरीब घराने की लड़कियों के साथ होता है होता है, होता है। बारात उठकर चली गई यहाँ। और लड़की बिचारी कुंवारी की कुंवारी रह गई कुंवारी रह गई जी हाँ। अरे दिखाइए ना आप लड़की बिचारी कुंवारी रह गई और आप चले आ रहे हैं दस्तखत करवाने हाँ तो संसार बाबू उसके घर में कौन कौन है कोई भी तो नहीं सरकार बस भगवान ही मालिक है तुम लोगों में बस यही एक मुसीबत है हर काम भगवान पे छोड़ देते हो आखिर भगवान ने इंसान को बनाया किस लिए है बोलो एक कुंवारी लड़की बेबस हो गई और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो सरकार ऐसी कोई बात नहीं उसका भी इंतजाम किया है किया है अरे फिर बोलते क्यों नहीं क्या इंतजाम किया है पहले ये काम खत्म कर लीजिए फिर बताता हूं देख रहे हैं जरूरी काम हो रहा है फिर भी बीच में टपक पड़ेंगे क्या है जी वो पावर ऑफ अटॉर्नी कहां दस्तखत करना है जी यहां ले लीजिए जाइए थैंक यू हाँ क्या इंतजाम किया है हुजूर उससे रंगमहल भिजवा दिया है ताकि आप खुद ही उसका उद्धार कर दें अरे तो अभी तक खामोश क्यों थे आओ भाई चलो 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 भाई क्या हुआ तुम क्या सोच रहे हो जी मैं सोच रहा था आप बिना देखे सब कुछ साइन कर देते हैं कल को कहीं कुछ घपला हो गया तो अगर तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ताकत है तो तुम्हारा सब कुछ कैसे लुट गया खैर ये सब सोचने का भी वक्त नहीं आया है आओ चलो फोटो बाबू नहीं है बहुरानी दरवाजे पे ताला लटक रहा है मालिक के साथ गए हैं कहाँ सुना है किसी कुंवारी कन्या का उद्धार करने गए हैं
लो सुंदरी, अपने हाथों से ठाकुर साहब को रसपान करा दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे ओ फोड़ो बाबू, बाद हो चुकी तस्वीर है, इधर आ, तुम भी महफिल में शामिल हो जाओ। जी, मगर ये डॉक्यूमेंट्स? अरे गोली मारो डॉक्यूमेंट्स को, इधर आ जाओ। आओ बैठो। संसार बाबू लीजिए, आज हम तुम्हें अपने हाथों से पिलाएंगे। मुझे पीना रास नहीं आता ठाकुर साहब। हुज्जत ना करो बरखुरदार, ठाकुर साहब के हाथों की दी हुई शराब तो भोलेनाथ का प्रसाद होता है। शाबाश। अब हम दोबारा गाना सुनेंगे। हाँ, मुझे गाना नहीं आता ठाकुर साहब। झूठ मत बोलो, उस दिन गेस्ट हाउस की छत पे हमने तुम्हें गाते हुए सुना था। हाँ। लेकिन मैं जो गाऊंगा शायद आपको पसंद ना आए। उसकी फिक्र मत करो, हम कोशिश करेंगे कि हमें पसंद आए। जो मर्जी गाओ, इस रात को और रंगी बना दो। अरे फोटो बाबू, इसे नागिन क्यों कहते हो? ये तो शमा है हमारी महफिल की, शमा, और हम सब इसके परवाने। पतंगे पतंगे पतंगा आग से खेले और जल जाए, पतंगा आग से खेले और जल जाए, पागल प्रेमी को भला कौन समझाए, पागल प्रेमी को भला कौन समझाए, कोई दवा फिर काम नहीं आए, कोई दवा फिर काम नहीं आए, लग जाए जी को जो रोग ये पुराना काली नागन, अरे रे काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना, ना 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 काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना। फोटो बाबू तुम फोटो उतारो, तो यूं ही दिन रात अपने गुजारो, ये सितम ना करो मेरा गम ना करो, अब तुम्हें क्या पता ये हसीना है क्या चीज, ये खूब है मेरी महबूब है, दिल का आराम है और कुछ नाम है, कह के नागल हो कह के नागल किसे मत पुकार दो, फोटो बाबू तुम फोटो उतारो, हो यूं ही दिन रात अपने गुजारो।
अरे छेड़ो ना बेवक्त का ये तराना काली नागन, अरे ऐसी नागन नटे तो मंजूर है मर जाना, हमें मंजूर है मर जाना, अमल को संभाल के ले जाना, ज्यादा पी लिया उसने, संभाल के ले जाना। अच्छा कौन? तुम बत्ती बुझा दो। तुम इस वक्त इतनी रात को? हाँ, देखने आई थी कि आज की महफिल के बाद तुम कितने रंगीन और नशीले लग रहे हो। शराब तो जरूर पी होगी। वाह, आज से तुम भी इस घराने की ठाकुरों की तरह महक रहे हो। लेकिन इस वक्त तुमने आकर अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं, तुम लोग अय्याशी करने बाजी के घर जा सकते हो और मैं यहां भी नहीं आ सकती। थोड़ी सी शराब हो तो मुझे भी पिला दो ना दीपा, मैं भी अपनी जलन बुझा लूं, पीकर जरा तुम्हारे साथ मैं भी तो झूमूं। दीपा, मैं सच में शर्मिंदा हूं, ठाकुर साहब ने जबरदस्ती पिला दी और तुमने पी ली। मना नहीं कर सकते थे? कल को वो कुछ और करने को कहेंगे वो भी करोगे? अमल, एक तुम ही तो हो जिसके लिए मन में श्रद्धा है, विश्वास है। विश्वास का ये आखिरी सारा मुझसे मत छीनो। कम से कम तुम तो मेरे लिए इनकी तरह मत बनो। बस इतना ही कहने के लिए आई थी। सूरजगढ़ के खजांची को 50,000 रुपए का गबन करने के जुर्म में 50 कोड़ों की सजा। और क्या? सूरजगढ़ के खजांची को 50,000 रुपए का गबन करने के जुर्म में 50 कोड़ों की सजा। मुंशी जी, बड़े सरकार जाग गए। कोड़े लगाए के? कोड़े नहीं लगाए, बड़े सरकार जाग गए हैं। इतनी जल्दी सरकार जाग गए? तो आप मुझे क्या खबरें सुना रहे थे, जाकर सरकार को सुनाइए। नमस्कार, नमस्कार। खास खबर यह है कि बंबई अगस्त 37 लोकमान्य तिलक की बरसी के उपलक्ष्य में निकाले गए जुलूस के साथ अंग्रेजी सरकार की ज्यादती, अंग्रेजी सरकार ने जुलूस पर गोलियां बरसा दी जिससे। ये क्या बकते जा रहे हो? जी अखबार पढ़ रहा हूँ। मैंने बुलाया था तुम्हें। जी सुना, आप उठ गए हैं सुनकर। क्या सुनकर? जी 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 अगर आप ये हिसाब देख लेते। जानू मैं क्या हिसाब? जी ठीक है, जाने दीजिए। अदालत, अदालत। हुजूर। जी हुजूर। क्या हुजूर हुजूर लगा रखा है, वक्त क्या हुआ है? जी अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, आज आपकी नींद जल्दी टूट गई थी, अगर आप चाहें तो एक झपकी और ले लीजिए। फिर झपकी? Stupid. ये जानकी बाबू, संसार बाबू सब आए हैं क्या? हुजूर, हर रोज आप इतनी जल्दी तो उठते नहीं। मैं नहीं उठता, मेरी मर्जी, उन लोगों को तो वक्त पे आ जाना चाहिए। चले ठीक है, जा। नमस्ते ठाकुर साहब। आओ ना, लाओ बैठो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
जी तस्वीरें हैं, मैं खींचता ही गया मगर आपने अभी तक नहीं देखी। कितनी तस्वीरें? वाह वाह, काफी पोज खींचे हैं तुमने, हमें तो पता भी नहीं चला। इसका मतलब है तुमसे हमें जरा होशियार रहना पड़ेगा। अच्छी हैं तस्वीरें, बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये लड़की अच्छी नहीं है, मैं आपसे पहले भी कहना चाहता था। अदालत जी हुजूर, कैसे रख दो जी संभाल के बेहतर। ये लड़की आपको ठग रही है ठाकुर साहब? तुम क्या समझते हो हमें कौन कौन ठग रहा है? हम नहीं जानते, सब जानते हैं हम, लेकिन जानबूझ के ठगे जाने में भी एक नशा है, एक अजीब सी खुशी है। जी एक बात और कहना चाहता था। मैं यहां से जा रहा हूं। जा रहे हैं? क्यों? जी असल में वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर यहां रहते हुए भी बहुत दिन हो गए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान किस बात का? मैंने तो दुकान खोलने के लिए तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। जी वो कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो दुकान खोली जाएगी। और कुछ कहना है? जी नहीं। तुम जा सकते हो। हुजूर का बच्चा, निकल जाओ यहां से। बहुरानी, बहुरानी, मालिक बहुत गुस्से में है, नंदू उनसे कुछ कहने गया तो उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ये कौन सी नई बात है? नंदू की किस्मत अच्छी है, तनख्वाह बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मालिक इसलिए नाराज है कि फोटो बाबू जा रहे हैं। क्या? अदालत जी हुजूर। जी हुजूर, ये अमल क्यों जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आता हुजूर। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हमारी इस हवेली में जो भी एक बार आया है वो यहीं का होकर रह गया है, और फिर आज तुम जाओ बुलाओ उसे। जी ठहरो, हम खुद ही चले जाते हैं। सुनो, तुम्हारे यहां से जाने की असली वजह हम जानना चाहते हैं। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तबीयत ठीक नहीं रहती तो इलाज कराओ, यहां रहकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, और अगर हमारी महफिलों से परहेजी की बात हो तो वो परहेज करने की इजाजत हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन यहां से जाने की इजाजत हम तुम्हें नहीं दे सकते। जी मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। तुम्हारे लिए क्या ठीक है वो तुम नहीं हम सोचेंगे। इस घराने की कुछ परंपराएं हैं, यहां जो भी आया हमेशा यहीं का होकर रहा, समझे? एक बात और सुन लो, अगर तुमने हमारी मर्जी के बिना यहां से जाने की कोशिश की तो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा के तुम्हें हम फिर वापस यहां बुला लेंगे। मुन्नी, ओ मुन्नी कहां चली गई? अरे बिमिला, आपने मेरी मुन्नी को कहीं देखा है? मेरी बिल्ली को? नहीं, बिल्ली को भी नहीं देखा, मुन्नी को भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ तुझे देख रहा हूँ। मुझे निकल जाओगे क्या? हट जा सामने से। ठंड में जरा बात करें। अरे वो बिमिला, कहाँ चली गई? मुन्नी कहाँ चली गई मेरी मुन्नी? क्या बात है बिमिला? बाबूजी, आपने मेरी मुन्नी को कहीं देखा है? नहीं देखा ना, मार कर फाड़ देना। मुन्नी, ओ मुन्नी कहाँ चली गई मुन्नी? आज रात को जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। मैं न बुलाती तो बिना मिले ही चले जाते। क्यों दीपा, इस तरह छुप छुप कर मिलना मुझे गलत लगता है, मेरी आत्मा से मंजूर नहीं कर पाती। मुझे लगता है जैसे मैं ठाकुर साहब के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। और मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे थे दीपा? इसे पहचानते हो या इसे भी भूल गए?
क्या यह एक विश्वास नहीं था, वचन नहीं था? दीपा, ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था अपनी बहू को पहनाने के लिए। ये मेरी तरफ से एक वचन है। और मेरे लिए ये एक वरमाला है, ये सदा मेरे गले में रहेगी। इसके अंदर तुम्हारी छोटी सी तस्वीर लगाकर रखूंगी। मेरे होते तस्वीर की क्या जरूरत है? क्या पता कभी दुष्यंत की तरह तुम भी अपनी शकुंतला को भूल गए तो। नहीं नहीं दीपा, ऐसा कभी नहीं होगा। अमल, ऐसा कभी नहीं होगा। अमल, वो सब भूल गए? भूला तो कुछ भी नहीं दीपा, लेकिन लेकिन क्या? अब तुम ठाकुर साहब की हो। किसी की अमानत कोई उठाकर ले आए तो वो उसकी हो जाती है क्या? दीपा, मेरे प्यार का इतना अपमान मत करो अमल। अगर कह सकते हो तो कह दो तुम मुझे अब भी प्यार नहीं करते। नहीं दीपा, नहीं, प्यार से इनकार करके मैं चैन नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और इसीलिए चाहता हूं तुम उसी के होकर रहो जो तुम्हें ब्याह कर लाया है। शादी और शिकार में बहुत फर्क होता है। उन्होंने मेरा शिकार किया है अमल, जैसे शेरों के खाली हवेली की हर दीवार पे सजी है वैसे ही मैं भी इस हवेली में सजा दी गई हूं। ये सब जानने के बाद भी तुम बार बार मुझे सयाश का वास्ता दे रहे हो जिसे मेरा शिकार किया। ये मौसम, ये मूसलाधार बारिश और ये कड़कती बिजली, ऐसे में तो कोई भी हसीना घबरा कर सीने से चिपक जाए। आज बसंती बाई की किस्मत खुल जाएगी सरकार। अरे किस्मत तो तब खुलेगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। अजी सरकार, आप पहुँचने में देरी कितनी है, और फिर ये व्हाइट हॉर्स, ये रुकने वाला नहीं। लेकिन सरकार, अगर इस घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर कार लाए होते तो अब तक तो पहुंच भी जाते। संसार बाबू। हाँ जी। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। क्यों सरकार? पानी से घोड़ों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार इंजन में पानी घुस गया तो मोटर गाड़ी ठप हो जाएगी। आज आपकी अक्ल को क्या हो गया संसार बाबू? ठाकुर साहब के बारे में आपने ऐसा सोचा कैसे? सोचा कैसे? बारिश की वजह से साला दिमाग एकदम डंप हो गया है। अब बारिश कितनी भी हो, ये विलायती घोड़ा रुकने वाला नहीं। अबे ओ कासिम के बच्चे, क्या हुआ? घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा सरकार। तो चाबुक मारो, चमड़ी उधेड़ दो, बढ़ेगा कैसे नहीं? अबे जान लेगा क्या अदालत? जी हुजूर। अरे क्या हो गया कासिम मियां? घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिर गया। अदालत। जी हुजूर। क्या हुआ? घोड़ा बैठ गया हुजूर, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो आप क्या सारी रात बारिश में यहाँ बैठे रहेंगे? कसम। जी सरकार। घोड़ा कैसे बैठ गया? उसका सारा दाना तुम खा जाते हो क्या? गुस्सा की बात सुना? सारा मजाक किरकिरा कर दिया। अदालत, वापस जाने का इंतजाम करो। जी हुजूर। लाइए, गिरा दो इसको। हुजूर, चलकर कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। नहीं ठीक है, मैं आपका बिस्तर लगा दूं। नहीं अदालत, तुम एक काम करो, इतनी बारिश में ये लोग कैसे जाएंगे? इनके सोने का इंतजाम हमारे कमरे में कर दो, हम आज ऊपर के कमरे में सोएंगे। क्या बात है नंदू, कहाँ भागा जा रहा है? मालिक लौटा है। गजब हो गया बहुरानी, गजब हो गया, बड़ी सरकार लौट आए हैं। लौट आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो यहाँ सोने आ रहे हैं। यहाँ? हाँ। विमला, तू इन्हें
हमें जल्दी यहाँ से ले जा, पीछे के रास्ते से। जी जल्दी बाबू आइए। कहा था हमारे संबंध सहज करने के लिए हमने एक रात भी बाहर जाना बंद नहीं किया, चौंका दिया ना तुम्हें। आज हमने तुम्हारी बात गलत साबित कर दी। अदालत ने कहा शायद हुजूर को जरूरत हो। रख दो। लेकिन तुम्हें तो शराब से बदबू आती है ना? शराब की गंध में सहने लगी हूं। वहां इतनी दूर खड़ी हो, लगता नहीं सच कह रही हो। खैर, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेते हैं। जब तुम इसकी खुशबू सहने लगी हो तो हम इसे पी लेते हैं। के कमरे में ये मर्दाना रुमाल कहां से आ गया? धोबी आया था यहाँ? धोबी? मैं पूछता हूँ, धोबी आया था यहाँ? जी हाँ, धोबी आया था। कल से बहुरानी के महल का धोबी और बाहर का धोबी अलग अलग कर दो, समझे? जी। ले जाओ इसे। क्यों रो रही हो बहुरानी? हमने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा।
शिवसा, ओम क्लीम काम शिवसा, माँ दया करो, माँ दया करो। सुनती हो? हाँ। अरे कहाँ छुप जाती हो तुम? अब क्या चाहिए? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, दरवाजा बंद कर लो। ओफो, जाने क्या हुआ? अब क्या है? हाँ तुमने नसवार की डिबिया तो दी नहीं। नसवार की डिबिया? हाँ। अरे वो मेज पे तो रखी थी, तुमने ली नहीं? नहीं। देखो तो यही तो रखी थी, गई कहाँ? तुमने अपने जेब में तो नहीं रख ली? नहीं रखी, तभी तो कह रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? अरे हाँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि कपड़ा पहनते समय मैंने एक बार नसवार ली थी। ली थी? अरे हाँ ली थी। उसके बाद ऐसा दिमाग लेकर तुम अंग्रेजों की नौकरी करते कैसे हो? नहीं करूंगा, अब मैं उन सालों की नौकरी नहीं करूंगा। अरे बाबा हुआ क्या? अब क्या हुआ, लेट क्यों गए? तुमने मुझे ताना मारा, मेरी मर्दानगी को ललकारा, अब मैं उन सालों की नौकरी कभी नहीं करूंगा। अच्छा मत करना, लेकिन जब तक नौकरी नहीं छोड़ते तब तक तो ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो उठो। नहीं उठता। अरुणा, शंकर भैया। अरे साला बाबू आओ, कैसे आना हुआ? कमाल है। अरे भाई तुम ही तो हवेली में कहकर आए थे कि अरुणा ने बुलाया है, एक बार जरूर आना। कहा था ना? हाँ सुन लिया, कहा था। और तुम हो, कहती हो कि मैं बार बार भूल जाता हूँ। अब इनको बुलाने के लिए दोबारा कहने की जरूरत पड़ी? अच्छा बाबू माफ कर दो, अभी चलो उठो जाओ। अरे हाँ साला बाबू, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को आके आराम से बातें करेंगे। अच्छा। हैं? तुम तो हमें भूल ही गए दादा, लगता है ठाकुर साहब ने तुम पे जादू कर दिया है। धत पगली, तुम्हें भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? तो इतने दिन खबर क्यों नहीं ली हमारी? ओ क्या है अरुणा, मैं एक उलझन में फंस गया हूँ। उलझन? कैसी उलझन? तुम्हें दीपा की याद है? दीपा? वो तुम्हें कहाँ मिली? सुना था उसकी किसी जमींदार घराने में शादी हो गई है। वो जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह ही है। ओ, तो ये है तुम्हारी उलझन। दादा अब उसे तुम्हारा क्या संबंध, अब तो वो पराई हो गई है। दीपा बहुत दुखी है अरुणा, और ठाकुर साहब, ठाकुर साहब एक अच्छे पति नहीं है। मगर दादा तुम उसका भाग्य तो नहीं बदल सकते, फिर वहां पड़े रहने से क्या फायदा? ये तुम नहीं समझ पाओगे। मैं समझना भी नहीं चाहती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम वहां रहो। तुम्हारी जीजा जी कल ही जाके तुम्हारा सामान ले आएंगे। नहीं अरुणा, मैंने उसे वचन दिया है, मुझे वहीं रहना होगा। दादा दादा मेरी बात मान लो, इस तरह अपने जीवन की आहुति मत दो, दीपा को भूल जाओ और अपना घर बसा लो। मुझे देर हो रही है अरुणा, मैं चलता हूँ। दादा दादा मेरी बात तो सुनो। कहिए वकील साहब, कुछ माल ताल बना? मुंशी जी आप ही बनाते हैं माल, फिर आपके होते हुए कैसे गल सकती है अपनी दाल। सलाम मुंशी जी। अरे कासिम आओ, कैसे आना हुआ? आज 15 तारीख हो गई, अभी तक हम लोगों को तनख्वाह। तनख्वाह कहाँ से दूंगा, वसूली कुछ हो नहीं रही है। ये बैठे हैं वकील साहब, पूछो इनसे क्या हालत हो गई है हमारी। हाँ हाँ कासिम भाई, हालत वाकई बहुत खराब है। हमारी भी फीस नहीं मिल रही। सुन लिया, जब रुपए होंगे तो तनख्वाह मिल जाएगी, जाओ भागो यहाँ से। ठीक है मुंशी जी, सरकार ने आप लोगों को याद किया। हा? सरकार झक गए जी। हाँ चलो चलो मुंशी जी, चलो चलो वकील साहब चलो। हुजूर आपने याद किया मुझे। और नहीं तो क्या तुम हमें याद करोगे? सुना है गांव में एक आलीशान कोठी बनाई है तुमने। जी वो बस हुजूर वो छोटी सी झोपड़ी है। छोटी सी झोपड़ी, नौकरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली अभी तक?
हालात बहुत खराब हैं हुजूर, कोई किसान लगान नहीं देता, एक पैसे की वसूली नहीं हुई। और तुम लोग निकम्मों की तरह बैठे हो। जी हमने किसानों पर केस कर दिया, अगले महीने पेशी है। जी अगले महीने पेशी है और केस चलेगा 5-6 साल। वकील साहब हमें रुपया चाहिए। इतने घर हैं, जमीन जायदाद है, खेत बगान है, जिसके भी अच्छी कीमत मिले बेच दीजिए, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर हमें रुपया चाहिए। ठाकुर साहब, वैसे ही एक के बाद एक सब कुछ बिकता जा रहा है। ज्यादा कीमती क्या है, ठाकुर घराने की इज्जत या जमीन के 2 टुकड़े? बोलो। गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा सर। कोर्ट कचहरी के खर्चे खैर जरूरी है ही, लेकिन हवेली के खर्चे कुछ कम कर दिए जाए। नहीं, कभी नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, ठाकुर घराने की शान वही रहेगी, सब कुछ उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह चलता आया है। हमें ज्यादा बहस पसंद नहीं, जो कुछ कहा है करने के लिए कीजिए, जाइए। जी हुजूर, जल्दी चलिए, बहुरानी बेहोश हो गई। क्यों, क्या हुआ? Congratulations, Thakur Saab. Your wife is going to have a baby. You're going to be a proud father. Oh, thank you, doctor. Thank you. It's all right. Doctor. Yes. Yeah. Is that for me? Yes. Thank you. नेम डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ समझी तुम लोग? नेम डॉक्टर बोले कि तब ही समझेंगे हम, बच्चों कहे कि क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा, और देखना शर्तिया लड़का ही होगा। सच्ची? लड़का हुआ, लड़का। क्या हुआ? मैंने कहा था ना लड़का होगा, लड़का ही हुआ। अदालत भैया, अदालत भैया, मुबारक हो अदालत भैया। क्या हुआ विमला? छोटे सरकार, छोटे सरकार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह। नन्हे मुन्ने राजकुमार आ गए, छोटे सरकार आ गए, नूरे चश्मा आ गए, खानदान के चिराग आ गए, ठाकुर साहब के वारिस आ गए। अदालत उसके संसार बाबू मुझा। लिख दिया नाम मुझे, बदनाम किया
लीजिए बरगुरदार। अरे ये सब क्या हो रहा है? जो हुक्म मिला है उसकी तामील हो रही है। हुक्म? हुक्म किसका? तुम्हारी बहन का हुक्म है कि तुम्हें सामान सहित उठाकर ले आऊं। ये जूता पहनोगे या? अभी क्या करो, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ भी सुनाना है अपनी बहन को सुनाना। ये लो, इसे भी रख दिया और तुम्हारा सूटकेस भी तैयार। लेकिन बिना बात इस तरह किसी का घर छोड़ के चले जाना ठीक लगता है क्या? तो इसका मतलब है तुम जाना नहीं चाहते? वो बात नहीं है, लेकिन कोई वजह भी तो हो। मेरा मतलब है बिना किसी बात के इस तरह चले जाना। आखिर तुम दोनों भाई बहन ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या खोलूंगा बैल हूँ जो इधर उधर तुम लोग इशारे पर घूमता रहूं? अभी तुम्हें एक काम ही क्या है, जमींदार के तलवे जागता? छी, शर्म नहीं आती? अच्छा अच्छा, एक मिनट प्यार से बैठो तो सही। बैठने की ऐसी की तैसी, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। छी, मैं क्यों परेशान हूँ? तुम्हें जरूरत होगी चले आना, अरुणा को जरूरत होगी वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। मुझे क्यों परेशान कर रखा? छी, मैं जा रहा हूँ। अरे शंकर भैया सुनो तो। सुनने की ऐसी की तैसी, मैं अब नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। बाबू आ गए। ठीक है, तुम जाओ। बुलाया मुझे? हाँ, बिन बुलाए आते कहाँ हो? बैठो, एक जरूरी बात करनी है। कहो। तुम्हें देख देख कर जिंदगी की आधी सजा तो कट गई है, जो बची है वो भी कट जाएगी। लेकिन नरेश का क्या होगा? क्यों, नरेश को क्या हुआ? इस माहौल में रहकर वो भी उन जैसा ही बन रहा है, एक और ठाकुर, परंपरा निभाने वाला। तुम एक ऐसे हो जो उसे एक इंसान बना सकते हो, इस अभिशाप से बचा सकते हो। उसे बचा लो अमल। मैं कोशिश करूंगा देवा। अमल, अमल, हमेशा मैं तुमसे मांगती ही रही लेकिन क्या कुछ भी नहीं। लेने देना कैसा, जिंदगी हिसाब की किताब तो नहीं है दीपा। क्यों कासिम, बाकी वापस क्यों ले आए? छोटे सरकार को स्कूल नहीं ले जाना है क्या? छोटे सरकार की तबीयत खराब है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। तबीयत खराब है? जी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ मुन्ना? उसके बाद हमने दरवान को एक रुपया दिया और उसने स्कूल का फाटक खोल दिया। उसके बाद? उसके बाद हम सिनेमा घर में घुस गए और लैला मजनू पिक्चर देखी। नरेश, ये सब क्या हो रहा है? ये सब गंदी आदतें कहाँ से सीखी? ये सब कौन है? मेरे दोस्त है, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, इसमें गंदी बात क्या है? चुप रहो, छोटे बड़े की भी तमीज नहीं है। दोस्तों से बातें कर रहा था, स्कूल नहीं जाना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो ऊपर जाकर आराम करो। चलो तुम सब लोग जाओ, चलो सब लोग जाओ यहाँ से, उठो भागो यहाँ से। चलो तुम ऊपर जाओ। और सुनो, आज के बाद किसी भी दिन स्कूल का नागा नहीं होगा,
और ये अड्डेबाजी नहीं होगी, समझे? जाओ। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? जब देखो तब मुझ पर डांट पड़ती रहती है। किसने डांटा? फोटो बाबू ने, वो भी सब दोस्तों के सामने। मैंने सब दोस्तों को भी उन्हें डांट कर भगा दिया। क्या किया तुम्हें? कुछ नहीं। कौन से तुम्हारे दोस्त? सभी बड़े घरों के। चौधरी साहब का लड़का शेर सिंह, हवेली वालों का राज बहादुर। कोई बात ना चीत, मैं दोस्तों से बातें कर रहा था, फोटो बाबू आए और एकदम बिगड़ने लगे। जाओ ऊपर जाकर आराम करो, मेरे सब दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की, हमेशा करते हैं। ठीक है ठीक है, रो मत, जा जाके खेला, हम देखते हैं तुम्हें कौन डांटता है। आपने मुझे याद किया? ये सब क्या हो रहा है अमल जी? जब देखो तुम नरेश पे बिगड़ते रहते हो, मास्टर पढ़ाने आता है सुना है तुम उसमें भी दखल देते हो, क्या हो रहा है ये सब? मैं नरेश को एक इंसान बनाना चाहता हूँ। तुम चाहते हो? ये अधिकार तुम्हें दिया किसने? नरेश हमारा बेटा है या तुम्हारा? तुम होते कौन हो? यहां रहते हो तो कायदे से रहो, जो तुम्हारा काम है वो करो। आइंदा हम इस किस्म की शिकायत सुना नहीं चाहते, लेकिन तुम जा सकते हो। अरे दरवाजा क्यों बंद किया? कोई आ गया तो हमें किसका डर है? हम कोई चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं तो चल राजू बोतल निकाल। अच्छा डालो ग्लास में। पियो सब लोग। मैं नहीं पीऊंगा बाबा, मुझे डर लगता है। सुना तुम लोगों ने, इसे डर लगता है। नाम रखा है शेर सिंह लेकिन है किधर सिंह। पी साले पी, पी ले, पी ले जल्दी। अरे छोड़ छोड़ पी ले, पी पी ले ना, अरे पी ले ना, जल्दी जल्दी। हाँ जहाँ तक बात है, ये सब भी सीख लिया? आइंदा का शराब को हाथ लगाए तो हड्डियां तोड़ दूंगा। निकल जाओ यहां से, अब ही इसी वक्त निकल जाओ यहां से। तुम्हारी ये मजाल के नरेश पे हाथ उठो। लेकिन मुझे नरेश पर हाथ क्यों उठाना पड़ा, उसकी वजह तो सुन लीजिए। हमें कुछ नहीं सुना, हमारे मना करने पर भी तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम नरेश पे हाथ उठाओ? हाँ, वो इसलिए कि वो इतनी सी उम्र में दोस्तों के साथ महफिलें जमाता है, अभी से शराब पीता है। ठीक करता है वो ठाकुर खानदान का बेटा है, उसकी मर्जी में जो आएगा वो करेगा। ठाकुर साहब उसे इतना सर चढ़ाना ठीक नहीं है। ऐसी बातें करने वाले तुम कौन होते हो? हमारा बेटा जानू में जाए तुम्हें क्या लेना देना? इसी वक्त यहां से निकल जाओ वरना। वरना क्या? वरना मुझे बाहर फेंकवा देंगे, यही ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, मैं खुद यहां से चला जाता हूं। जरा सी बात कह दी और मुंह फुला के चल दिए। संसार बाबू तुम भी कैसा आदमी ले आए हमारे पास। जानकी बाबू तुम भी तो थे वहां, हमने अमल से कोई भेजा बात की थी?
भेजा बात क्या थी सरकार, फोटो बाबू का तो भेजा ही नहीं था। वही तो। छोड़िए अमल को सरकार, वो तो गधा था जो हवेली छोड़कर चला गया, अब सारी जिंदगी जूतियां चटकाता फिरेगा। बिल्कुल चटकाता फिरेगा, और करेगा क्या। सही बात। बाप को उल्लू था। सरकार वैसे बजरे का सारा इंतजाम हो गया। अरे गोली मारो बजरे को। सरकार क्या है, मिलाओ। जी नहीं हजूर, दूर दूर तक तलाश किया, फोटो बाबू का कहीं पता नहीं चला। ताला लगा दो उसके कमरे को, अपना सामान लेने तो आएगा, तब देखते हैं हवेली से कैसे बाहर जाता है। हुजूर, बहुरानी ने आपको बुलाया है। कहाँ है वो? साथ वाले कमरे में। घबराओ नहीं, भरोसा रखो। यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमने तुम्हें मना किया था ना। आपने उसे क्यों निकाला है? किसे? फोटो बाबू को। तुम्हें किसने बताया? पूरी हवेली को पता है। उसने नरेश पे हाथ उठाया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अच्छा, तो तुम अमल के लिए लड़ने आई हो? आज अचानक तुम्हारे दिल में उसके लिए दर्द क्यों जाग उठा? वो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नरेश की जिंदगी से मेरा भी सरोकार है। आप बाप तो बनते हैं, पर जानते क्या बना रहे हो उसे? बहुरानी, किस सांच में ढल रहा है नरेश? हू बहू एक और अय्याश बन रहा है वो, जो बड़ा होकर शराब में नहाएगा, गंदी औरतों के साथ रातें गुजारेगा। हम कहते हैं जबान बंद करो अपने। नहीं, मैं आपका रंग नहीं चढ़ने दूंगी नरेश पर। वो एक दूसरा अय्याश बने मुझे कभी मंजूर नहीं। बहुरानी चुप हो जाओ, वरना वरना क्या, मार डालेंगे मुझे। लीजिए चलाइए गोली, मार डालिए मुझे। सोच क्या रही है, मार डालिए मुझे। चलिए आओ यहां से, हम कहते हैं चलिए आओ। रिक्शे तक छोड़ दो। बस भाई यहीं रोको। जबर खुदा, पहचाना नहीं। साला बाबू,
तुमने कहा था ना एक दिन मुझे वापस आना पड़ेगा, मैं आ गया। आओ आओ आओ। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? कौन है? आओ आओ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? उन अंग्रेज कसाईयों ने बूटों से मारा है। बैठो और ले जाओ, तेरे पैर ऊपर कर दो। पानी। हमें अभी लाई, मैं अभी लाई था। पानी लेकर आओ। गला सूख रहा है। साला बाबू तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। काहे को परेशान होता है जीजा बरखुदार? अब कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं नहीं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं साला बाबू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तुम आराम करो, आराम करो, मैं भी आता हूँ। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, तुम अमल के पास बैठो। अच्छा। देखो भूल से भी दीपा के मरने की बात अमल को मत बताना, नहीं तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, समझी? तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। अदावत जी हुजूर। सब तैयारियां हो चुकी? जी हाँ, मेहमान खाना साफ करा दिया है और शहनाई वाले आ गए हैं और साड़ी वाला आता ही होगा। और वो मधुसूदन सुनार के पास गए थे? जी हाँ। कब दे रहा है वो? कल तक दे देगा हुजूर, काम चल रहा है। ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ तक लगाओ। हुजूर ये साड़ी देखिए, असली बनारसी सिल्क है, आप जैसे अमीर लोगों के घर की शान। सच्ची सरी है? हाँ। जी हाँ। ठीक है, ये सब रख दीजिए। लो भाई रखवा दो इसे। हुजूर कल मैं पीली कोठी वालों के यहाँ गया था। आप पीली कोठी वालों की बात यहाँ मत कीजिए, वो लोग तो उधार पे जिंदा रहते हैं, हम आपको नगद पैसे देंगे। यही बात तो हुजूर मैंने उन लोगों से भी कही थी, एक ठाकुर साहब के पैसे तो बैंक में पड़े हुए हैं। बिल्कुल बैंक में पड़े हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा घर है जहाँ सात सात दिन पहले शहनाई बजती हो। अदालत भाई जी, ये सामान रखवा दीजिए। हुजूर जी हुजूर, इनका हिसाब चुपता कर दीजिए। जी आइए मेरे। बड़े खूबसूरत कपड़े हैं। वाह वाह वाह। संसार बाबू शादी में आपको भी? अरे मैं तो सरकार की शादी में भी राजा था। हुजूर प्रणाम। मधुसूदन सब गहने तैयार हो गए? दो एक बाकी हैं, कल सब ले आऊंगा। तो आज कैसे आना हुआ? हुजूर एक जरूरी बात करनी थी। क्यों, तुमको भी पैसों की फिक्र पड़ गई क्या? राम राम राम, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता सरकार। सरकार आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता था। अकेले में? ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं ठहरो, आप लोग जरा। अच्छा सरकार हम बाहर बैठते हैं, चलो भैया। बहुरानी के पुराने गहने तोड़कर नए बना रहा था, उनमें एक लॉकेट मिला, इसमें एक तस्वीर है, सोचा किसी की निशानी होगी इसलिए तोड़ने से पहले आपसे पूछने चलाया। देखिए लॉकेट तुमने बनाया था? जी नहीं सरकार। तुम्हें ठीक ठीक याद है? अच्छी तरह से, ये लॉकेट मेरे हाथ का बना हुआ नहीं है सरकार। ठीक है तुम जाओ। प्रणाम। आजो आजो आजो। क्या है? सरकार वो गेट आउट। आंसर गेट आउट। Okay.
अदालत। जी हुजूर। नरेश कहाँ है? जी वो अपने दोस्तों में शादी के दावत में बांटने गए। बंद कर दो इसे हुजूर। बंद कर दो ये शहनाई। बंद कर दो इसे। बंद करो ये शहनाई। बनाकर नहीं पत्नी बनाकर लाए। ये सुहाग रात एक पवित्र जिंदगी की शुरुआत है और मेरी जिंदगी की ये पहली रात उस अय्याश के लिए नहीं जो दुनिया भर की गंदगी से मुंह जुटा करके आया हो। नरेश को एक इंसान बनाना चाहता हूं। तुम चाहते हो? यह अधिकार तुम्हें दिया किसने? नरेश हमारा बेटा है या तुम्हारा?
के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जरा सोचो, ठाकुर साहब को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारी बहन अरुणा। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन तो दे दिया है लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, और क्या कर सकते हैं। आपकी फीस। थैंक यू। अमल नाम का आदमी इसी मकान में रहता है? जी हाँ, मगर आप? हमारा नाम ठाकुर जसवंत सिंह है। कहाँ है वो? उसकी हालत बहुत हालत जो भी हो वो जिंदा है या नहीं आप खुद ही देख लीजिए। अमल, 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 आंखें खोलो, सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, हम कहते हैं आंखें खोलो। पहचाना हमें? हम है ठाकुर जसवंत सिंह। पहचाना? ये लॉकेट ये बहुरानी को तुमने दिया था? तुमने दिया था बहुरानी को? बोलो, तुमने दिया था उसे? हाँ। क्यों दिया था? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? बोलो, नरेश किसका है? नरेश किसका बेटा है, हमारा या तुम्हारा? बोलो, बोलो, नरेश किसका बेटा है? चुप नहीं रह सकते, तुम्हें जवाब देना होगा। अब वो क्या जवाब देगा? वहां है कौन जो जवाब देगा? देगा, जवाब देगा, यही आदमी जवाब देगा। ये इस तरह हमसे जीत नहीं सकता। ये आपने क्या किया? आप पागल हो गए हैं क्या? मरे हुए आदमी पर गोली चलाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? उसने आपका क्या बिगाड़ा? चलिए हुजूर, उसने क्या गोली चलाई? ये क्या हो रहा है? सोना बाबू, हुजूर हुजूर, छोटे सरकार, क्यों निकाला है? उसने नरेश का हाथ उठाया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो तुम अमल के लिए लड़ने आई हो हमसे? आज अचानक तुम्हारे दिल में उसके लिए दर्द क्यों जाग उठा? वो आप नहीं समझ पाएंगे। आप बाप तो बनते हैं पर जाते क्या बना रहे हो उसे? नमस्ते वकील साहब। हेलो, ये गाड़ी आपने नहीं खरीदी है? हाँ। बहुत अच्छी है। आई हैव गॉट अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू सन। बहुत बुरी खबर है बेटा। क्या हुआ? हाईकोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ चला गया। डिग्री हो गई। डिग्री? हाँ। इस हवेली को नीलामी से नहीं बचा सकते। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी शादी तक कुर्की और नीलामी नहीं होगी। छोटे सरकार, छोटे सरकार, जल्दी चलिए, बड़े सरकार की तबीयत। या अल्लाह,
रहम कर, रहम कर। छोटे सरकार, छोटे सरकार।